देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पावर को लेकर सियासत जारी है। दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने बुधवार को एक आदेश जारी करते हुए 437 ऐसे सरकारी अधिकारियों की नौकरी पर तलवार लटका दी है, जिन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अनुमति के बिना तैनात किया गया था, जो नियमों के विरुद्ध है। इस पर अब बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। गुरुवार सुबह अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए कपिल मिश्रा ने कहा, 437 नए सरकारी पद बनाए गए और लाखों रुपए महीने की सैलरी पर केजरीवाल गैंग के लोगों को रखा गया। इन नियुक्तियों में आरक्षण को भी लागू नहीं किया गया और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक छीना गया। केवल एकमात्र योग्यता थी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होना। ये सभी गैर कानूनी पद समाप्त करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का आभार। देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पावर को लेकर सियासत जारी है। दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने बुधवार को एक आदेश जारी करते हुए 437 ऐसे सरकारी अधिकारियों की नौकरी पर तलवार लटका दी है, जिन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अनुमति के बिना तैनात किया गया था, जो नियमों के विरुद्ध है। इस पर अब बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। गुरुवार सुबह अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए कपिल मिश्रा ने कहा, 437 नए सरकारी पद बनाए गए और लाखों रुपए महीने की सैलरी पर केजरीवाल गैंग के लोगों को रखा गया। इन नियुक्तियों में आरक्षण को भी लागू नहीं किया गया और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक छीना गया। केवल एकमात्र योग्यता थी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होना। ये सभी गैर कानूनी पद समाप्त करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का आभार।